Hello students, in this video today we are going to start our next topic, cross price effect, income effect, and what will be the impact of price of related goods, in which we will study about the substitute and the complementary goods. Let us start our today topic. Hello everyone, here this is Deepti. Today we are going to start our next topic, cross price effect. Cross price effects ka jo bhi cases aapko padhne hai, wo is topic mein hai. Pehle to usme ek question arise hote hai aapke. हाउ प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव. रिलेटेड गुड्स की यहाँ पे आप बात देख सकते हो, रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है. रिलेटेड गुड्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द नेक्स्ट वन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. वॉट चेंजेस वी कैन सी, इससे हमारे डिमांड कर्व पे क्या अफेक्ट देखने को मिलता है हमें, इसके थ्रू जो भी ग्राफ बनाना है वो इसी के थ्रू बनाना है कि सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री का जब केस होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है या जो ग्राफ होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं हाउ वी कैन मेक द ग्राफ इफ द सिचुएशन अकर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड्स फॉर अ कॉम्पिटिटी. जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आप डिमांड फॉर अ कॉम्पिटिटी पे क्या अफेक्ट पड़ता है जब आपका रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है वो चेंज होता है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट. तो आप जैसे तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स तो पहली बात कि आपका आता है अदर्स फैक्टर्स में, और जब अदर्स फैक्टर्स की बात होती है तो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अदर्स फैक्टर्स हम के केसेस में हमें शिफ्टिंग वाला केस देखने को मिलता है, मूवमेंट का नहीं. मूवमेंट का केस हमें कब देखने को मिलता है, जब प्राइस में हमें कोई चेंजेस देखने को मिलता है. ओके, तो हेयर इट इज़ गिवन द प्राइज तो कॉन्स्टेंट, प्राइस आपको कॉन्स्टेंट रहेगा, प्राइस हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा. बट हाउ वी कैन मेक द ग्राफ इफ वी कैन सी द रिलेटेड गुड्स अफेक्ट्स डिमांड फॉर अ कॉम्पिटिटी. कैसे कोई एक रिलेटेड गुड्स, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, उससे होने वाली चेंजेस से हमारे डिमांड पे क्या अफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके थ्रू हमें ग्राफ यहाँ पे बनाना है. इट इज़ ऑल अबाउट द ग्राफ. हम लोग सिर्फ ग्राफ की ही बात करेंगे इस वीडियो में कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, चाहे वो कोई भी अदर फैक्टर्स हो. बट ये जो वीडियोस इसमें सिर्फ अदर फैक्टर्स को लेके ही हमें बात करनी है. तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से ही आता है कि कैसे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटी के डिमांड्स पे. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक इट. अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप ले सकते हो टी एंड कॉफ़ी. दिस इज़ अ टू गुड्स, टी एंड कॉफ़ी. एंड कॉम्प्लीमेंट्री में आप ले सकते हो कार एंड पेट्रोल. These are the complementary goods. If we are talking about the substitute goods, तो tea and coffee की अगर हम बात करें तो पहले तो आप एक graph बना लो. यहाँ पर आपको ऐसे graph plot करना पड़ेगा, x axis, this is y axis, this is price and this is the quantity demand. First आपका price constant है, demand curve sloping downward के form में दिखता है. But पहले हम इस चीज़ को discuss कर लें. अगर हमारा given goods coffee है, this is our given goods, ये हमारा given goods है coffee. एंड दिस इज़ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है. तो यू कैन से अगर टी का जो प्राइस है वो अगर हमारी इंक्रीज करेगी, ओके, टी की प्राइस इंक्रीज करेगी मीन्स हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज करेगी, तो हमारे कॉफ़ी का क्या होगा, हमारे कॉफ़ी का डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट क्या था डिमांड कर्व, आप पहले ऐसे ड्रॉ कर लेना इस फॉर्म में. ओके, तो हेयर इट इज़ गिवन, जब हमारे गिवन गुड्स का क्वांटिटी डिमांड हमारे गिवन गुड्स इंक्रीज करेगी तो उसमें कैसा केसेस बनेगा, डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, इट विल बी शिफ्ट टू द राइट वर्ड. दिस इज आप बोल सकते हो C1, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉफ़ी, तो C1 ही हमारा गिवन गुड्स है. एंड C2, तो इट जस्ट शिफ्ट टू द दिस वन. आप बोल सकते हो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इट इज शिफ्ट टू द राइट वर्ड. इसको हम बोलेंगे राइट वर्ड शिफ्ट. कहाँ पर शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व हमारा, पहले तो डिमांड कर्व हमारा C1 पे था, फिर जैसे ही टी की प्राइस हमारे सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज हुई वैसे ही क्या हुआ, हमारा जो गिवन गुड्स था कॉफ़ी उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, तो C1 से C2 हो गया. तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिला. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो टी एंड कॉफ़ी में अगर हम बात करें कि ये तो आपको राइट वर्ड शिफ्ट मिला, पहले तो एक केस हो गया राइट वर्ड शिफ्ट, आप उसको बोल दो दिस इज़ फर्स्ट वन. सेकेंड केस में आपको देखने को मिलेगा दिस इज़ अ ग्राफ, अगर आप बोलो ये आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ क्वांटिटी डिमांड. आपका ये खुद का डिमांड कर्व है, बट द केस इज अराइजिंग हियर कि प्राइस आपका कॉन्स्टेंट है, प्राइस हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला. लेकिन इन द केस
जो हम सब्सिट्यूट गुड्स की बात करें, तो अगर हमारा सब्सिट्यूट गुड्स जो है टी, अगर उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस जो है सब्सिट्यूट गुड्स की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारे जो हमारा खुद का गिवन गुड्स है उसका डिमांड क्या होगा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली सारे कस्टमर जो हैं वो सब्सिट्यूट गुड्स को प्रेफर करेंगे, हमारे गुड्स को नहीं। तो उसमें क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वी कैन से C1 टू C2, ये हो गया हमारा बैकवर्ड शिफ्ट। दिस इज़ अ केस ऑफ द बैकवर्ड शिफ्ट। तो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ यू कैन जस्ट मेक द डिफरेंस बिटवीन द अदर्स फैक्टर्स। अदर्स फैक्टर्स में आपको डिफरेंस बिटवीन अगर एग्जाम में पूछता है तो हाउ यू कैन जस्ट मैनेज इट, आप कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो और कैसे उस चीज़ का ग्राफ बना सकते हो, कैसे राइटवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट के फॉर्म में कर सकते हो। तो जब ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जब हमारी डिमांड डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। दीज टू क्वेश्चन इफ़ यू रिमेंबर देन यू कैन इन द इजी वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो कभी कभी ग्राफ बनाने को भी आते हैं 6 या 4 मार्क्स के, कि आप ग्राफ प्लॉट करो अदर फैक्टर्स के किसी 2 डिटर्मिनेंट्स को लेके। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी ले सकते हो या रिलेटेड गुड्स भी ले सकते हो। हेयर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब्सिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या केसेस रहते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी केसेस देखते हैं कि उसमें कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं राइटवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, लेट अस सी। हियर इट इज गिवन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में वी हैव टेकन कार एंड पेट्रोल। मैंने कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लिया। जस्ट मेक वन ग्राफ। ओके, बट बिफोर मेकिंग दिस वन, जस्ट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, द प्राइस इज कॉन्स्टेंट। दिस इज ओ, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। क्योंकि इस सब चीज प्लॉट करने पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम पे, कि आपको एक्स एक्सेस पे आपने क्या मेंशन किया है तो वाई एक्सेस पे क्या आप दिखा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इट इज गिवन सब्सिट्यूट गुड्स की हम लोगों ने बात कर लिया, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट का केस कब होता है। नाउ कम टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सिचुएशन कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम राइटवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट का सिचुएशन कब अगर होता है, व्हेन वी सी दिस वन, कार हमारा समझ लो गिवन गुड्स है, सॉरी कार हमारा सब्सिट्यूट गुड्स है, सॉरी यू कैन से कार इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड दिस इज अ गिवन गुड्स, हमारा पेट्रोल है। दिस इज़ अ गिवन गुड्स, हमारा गिवन गुड्स क्या है, पेट्रोल एंड कार जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर पेट्रोल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, ओके, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गई तो हम, अगर कार की प्राइस, पेट्रोल की कार प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो कार की डिमांड क्या होगी हमारी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, ये क्या होगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यू कैन से कि पहले क्या था, पहले जो प्राइस थी वो कार की, यू कैन से कार इज़ आवर, यू कैन जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि कार जो है हमारी, ये आप बोल सकते हो दिस कार इज़ अ गिवन गुड्स, आप इसको गिवन गुड्स मान लो एंड पेट्रोल को आप मान लो दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जस्ट टेक एज अ एग्जांपल, ये हमारा अदर गुड है जो इस पे अफेक्ट डालेगा कार एंड पेट्रोल पे। कार हमारी गिवन गुड्स है आप समझ लो, एंड जो पेट्रोल है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आप मान के चलो। नेक्स्ट इट इज़ गिवन, दिस इज़ आवर डिमांड कर्व। ओके, पहले तो हमारी डिमांड कर्व एक आप ऐसे ड्रॉ कर लेना फॉर मेकिंग द ग्राफ इजी। तो हियर इट इज़ गिवन, अगर हमें पेट्रोल में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, अगर पेट्रोल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई, तो कार की जो हमारी खुद की गिवन गुड्स की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ के फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, C1 से C2। दिस इज़ द केस ऑफ द बैकवर्ड शिफ्ट, या आप बोल सकते हो ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट। दिस इज़ द केस ऑफ द बैकवर्ड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि हमारी जो कार की डिमांड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखा है कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो हमें किस पे अफेक्ट देखने को मिला, हमारी कार पे। अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो बहुत लोग कार को परचेज़ नहीं करेंगे, दे विल जस्ट अवॉइड टू परचेज दिस कार। तो उससे क्या होगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी एंड ये बैकवर्ड की तरह शिफ्ट हो जाएगा। एक और केस यहाँ पे आपका राइज होता है, अगर पेट्रोल की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गई तो कार की डिमांड क्या होगी, वो हमारी पहले ये थी, फिर क्या हो जाएगी, वो C1 से C2 इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, जस्ट प्लॉट इट एज अ वाई पी एंड क्वांटिटी डिमांड। तो पहले कार की डिमांड कब हमारी कहाँ थी, यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे ही इसकी प्राइस पेट्रोल की डिक्रीज़ हो गई, कार की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो हमारा डिमांड कब कहाँ शिफ्ट होगा, ऑल द थिंग्स इज रिलेटेड टू द डिमांड कब। आपको डिमांड कब दिखाना है कि डिमांड कर्व कैसे राइटवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट होता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द, आप बोल सकते हो डिमांड, आपकी जो डिमांड है वो उसी पे डिपेंड है जो आप कर्व ड्रॉ करोगे। तो C1 आपका डिमांड कर्व था पहले, जब पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज हुई थी कार की डिमांड और इंक्रीज हो गई, तो आपका डिमांड कर्व कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड की तरह शिफ्ट होगा। तो वी कैन से इट राइटवर्ड शिफ्ट। ये हो गया आपका
राइट फर्स्ट शिफ्ट का डिमांड कर्व. इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करें तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमें दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी. एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स एंड द इन्फीरियर गुड्स. तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इज इनफ फॉर टुडे, बट इन्फीरियर एंड नॉर्मल गुड्स को भी हम समझ लेते हैं. कभी कभी इन्फीरियर नॉर्मल गुड्स का भी केसेस पूछता है कि क्या शिफ्टिंग हमें देखने को मिलती है, इन विच फॉर्म. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि शिफ्टिंग का केस हमें अदर फैक्टर्स में ही देखने को मिलता है जब उसमें कोई चेंजेस होते हैं. तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, इन्फीरियर नॉर्मल गुड्स को हम समझते हैं. द केसेस गिवन ऑफ द इन्फीरियर गुड्स. इन्फीरियर गुड्स पे हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन्फीरियर गुड्स एंड द नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, इट्स ऑल टोटली डिपेंड ऑन द इनकम. इनकम के इफेक्ट से ही हमें इस दोनों चीज़ों में देखने को मिलेगा. फर्स्ट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, जैसे हमारी इनकम जो है, यू कैन टेक इट एज अ वाई, इनकम जो हमारी है वो इंक्रीज रहेगी. प्राइस तो कॉन्स्टेंट रहेगा, इनकम जो है हमारी इंक्रीज करेगी तो हमारा डिमांड भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा. हमें पॉजिटिव रिलेशन देखने को इसमें मिलता है. तो यू कैन टेक इट एज अ एग्जांपल, दिस इज आवर ग्राफ. बस शिफ्टिंग आपको इसमें बतानी है कि शिफ्टिंग राइटवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, आपको ये चीज़ बस देखना है. तो वे ऑफ डूइंग और प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि हाउ यू कैन मेक अ ग्राफ. इनकम हमारी इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज होगी. पहले हमारी प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट, आप बता दें दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज क्वांटिटी डिमांड एंड दिस इज ओरिजिन. ओके, पहले आपका डिमांड कर्व जो है वो है. आप बोल सकते हो दिस इज अ नॉर्मल गुड्स, आप एन मान के सुनो, एन वन है. जैसे ही आपका इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ, आपने क्या किया, डिमांड भी उसकी इंक्रीज कर दी. तो डिमांड इंक्रीज हुआ तो आपका डिमांड कब जो पहले एन वन पे था वो क्या होगा, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. आप उसकी डिमांड इंक्रीज कर दिए तो दिस इज अ न्यू लाइन, वी कैन से एन टू. ओके, हमारा डिमांड कब जो है वो इंक्रीज हो गया, दिस इज आवर न्यू डिमांड कर्व, एन वन से एन टू. तो वी कैन से इट इज अ राइटवर्ड शिफ्ट. ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, दिस इज अ राइटवर्ड शिफ्ट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि नॉर्मल गुड्स जो है हमारे इसमें इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई, तो डिमांड क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा. तो अगेन जस्ट मेक अ ग्राफ हियर, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस. पहले हमारा डिमांड कर्व ये था एंड प्राइस इज कॉन्स्टेंट, प्राइस हमारी कॉन्स्टेंट थी, ये क्वान्टिटी डिमांड था एंड दिस इज द ओरिजिन. पहले आपका ये था एन वन, जस्ट मेक इट एज एन, मैंने नॉर्मल गुड्स को यहाँ पर लिया है, जैसे लेटर एन लिया है एन वन. जब इनकम जो है हमारी डिक्रीज हुई, इनकम हमें कम मिलने लगी, तो हमारा डिमांड जो है वो कम्युनिटी को लेके क्या हुआ, डिक्रीज हो गया. अफेक्ट पड़ा डिमांड फॉर अ कम्युनिटी पे, वी कैन सी द अफेक्ट्स ऑन द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी. फिर वो डिमांड कब हमारा क्या हो जाएगा, वो एन वन से एन टू की तरह शिफ्ट हो जाएगा. तो दिस इज अ बैकवर्ड शिफ्ट, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिला, इन दिस वी कैन सी द बैकवर्ड शिफ्ट. Now one more case we can see in this, the taste and the preference. Taste and preference में भी कोई changes हमें देखने को मिलते हैं, तो उससे क्या effect होता है वो भी हम देख लेते हैं. इसमें taste and preference का भी graph plot करते हैं, how we can see the changes in the taste and preference. Let us come. तो if I am just making, अगर किसी भी person का या किसी भी consumer का demand जो है वो increase होता है, the price is constant, price हमारी constant रहेगी and this is our first curve, just write down as a T. टी आप इसको लिखना, टेस्ट को एज इज प्लॉटेड है एज अ टी, दिस इज टी वन. अगर आपके टेस्ट में यू आर जस्ट गोइंग टू टेक टू कॉमोडिटीज, टू गुड्स आप लेते हो, एंड आपके क्या होता है कि एक टाइम पे जब आपकी आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो एंड एट अ टाइम आप उस चीज़ की डिमांड नहीं करते हो बिकॉज यू डोंट लाइक देयर टेस्ट. आप उस चीज़ को पहले एक टाइम पे इंक्रीज करते थे, आप उसकी डिमांड बढ़ाते थे. ओके, बट एट द टाइम आप क्या हुआ, आप उसका डिमांड नहीं किया, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसमें हमें क्या हुआ, डिक्रीज फॉर्म में देखने को मिला. जो टेस्ट था आपका वो डिक्रीज फॉर्म में देखने को मिला क्योंकि आपने अदर चीज़ को प्रेफर कर लिया. दे आर नॉट गोइंग टू गो एंड परचेज द फर्स्ट वन, आपने फर्स्ट वन को इग्नोर करके अदर थिंग्स को परचेज कर लिया. तो उसमें भी तो हमें राइटवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा. यू कैन से डिमांड कब आपका अब कहाँ पर आ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज अ केस ऑफ द बैकवर्ड शिफ्ट. ओके, नेक्स्ट इट इज गिवन टेस्ट एंड प्रेफरेंस का आपका केसेस हो गया बैकवर्ड शिफ्ट का. नेक्स्ट आप यू कैन टेक द एग्जांपल और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्लाइस एंड फ्रूटी. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द स्लाइस एंड फ्रूटी. फर्स्ट यू जस्ट गो एंड प्रेफर टू द स्लाइस, बट एक टाइम पे क्या होता है, आपने स्लाइस को छोड़ के फ्रूटी को जाते हो, आपका ये गिवन है, आप बोल सकते हो कि आप फ्रूटी को प्रेफर किए. तो एक टाइम पे क्या होता है, आपका स्लाइस जो रहता है उसका डिमांड तो आप देख सकते हो इसमें जो है वो डिक्रीज होगा, T1 से T2 हो गया.
बट जैसे ही फ्रूटी की प्राइस जो है वो हाई होती है, वैसे ही आप स्लाइस की प्राइस क्या करते हो, इंक्रीज कर देते हो. यू कैन टेक इट एज अ स्लाइस एंड फ्रूटी एज एग्जाम्पल, कि जब फ्रूटी की प्राइस जब हाई थी तो आपने स्लाइस को क्या किया, स्लाइस की डिमांड जो है आपकी वो इंक्रीज हो गई. दिस इज आवर ओरिजिनल डिमांड, स्लाइड डाउन एज अ S1. एंड जैसे ही फ्रूटी की प्राइस हुई, जो आपकी अदर गुड्स थी, जब आपकी उसकी प्राइस जो हाई हुई तो आपने क्या किया, आपने स्लाइस को प्रेफरेंस दिया एंड स्लाइस का डिमांड जो है उसको अधिक कर दिया. ओके, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कि आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. तो वी कैन से दिस इज अ राइट वर्ड शिफ्ट. आपका ये कौन सा केस हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट. मीन्स इन दिस वीडियो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि डिमांड का क्या इफेक्ट हमें डिमांड कर्व पे देखने को मिलता है, अदर फैक्टर्स का जो अफेक्ट हमें डिमांड्स फॉर द कॉमोडिटी पे देखने को मिलता है, किस वे में देखने को मिलता है, उसके वजह से हम लोग कर्व को राइटवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं. इफ देर इज एनी कन्फ्यूजन, मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. जस्ट टेक अ एग्जाम्पल, अगर आपको एक टाइम पे स्लाइस पीना बहुत पसंद है, बट जैसे ही आप उसके कंपेरिजन फ्रूटी को हम रख दें, तो फ्रूटी की जो प्राइस है वो आपकी एकदम चीप प्राइस है. यू कैन गो एंड परचेज द फ्रूटी. तो आप क्या करोगे, आप पहले तो प्रेफर कर देते स्लाइस को. जैसे ही आपने सुना कि न्यू जो फ्रूटी आई है आपकी मार्केट में, आप चले गए और आपने उसको परचेज कर लिया. क्यों? क्योंकि आपने देखा कि स्लाइस के कंपेरिजन जो फ्रूटी की प्राइस थी वो कम थी, तो आपने क्या किया, स्लाइस का कंजप्शन कम कर दिया. तो आपका डिमांड स्लाइस के लिए क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो T1 से T2 हो गया. ओके, नेक्स्ट इट इज़ गिवन, जैसे आपने सोचा कि फ्रूटी का स्टार्टिंग में तो चीपर प्राइस में हम लोगों ने उस चीज़ को ख़रीदा, बट एट अ टाइम क्या हुआ कि उसकी फ्रूटी की प्राइस हाई हो गई. तो आपने क्या किया, आपने स्लाइस का डिमांड क्या किया, इंक्रीज कर दिया. जो आप पहले प्रेफर करते थे आपने उसका फिर से यूटिलाइज कर कंजप्शन करना स्टार्ट कर दिया. तो उससे क्या देखने को मिला, आपने स्लाइस का फिर से डिमांड जो है वो इंक्रीज कर दिया. तो इट्स जस्ट टोटली डिपेंड ऑन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कि आप कब उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो एंड उससे डिमांड कब हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो डिमांड कब ड्रॉ करने का एक ही तरीका है, हमेशा एक चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, जब भी हम इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, एंड डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो वो बैकवर्ड शिफ्ट होता है. दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन दिस. तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस 3 पॉइंट्स. एंड अदर भी आते हैं आपके कि फ्यूचर में अगर प्राइस चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं तो प्रेजेंट टाइम में आप क्या करोगे. ठीक है, अगर प्राइस आपकी एक की बढ़ गई तो दूसरे को आप कैसे ट्रीट करते हो, इट टोटली डिपेंड ऑन यू. तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे, आपको ग्राफ उसी के बेसिस पे बनाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो दिस इज़ अ वेरी, आप बोल सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस इफेक्ट्स का भी. ओके, कि क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या प्राइस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस का अफेक्ट हमें देखने को मिलता है डिमांड्स फॉर अ कॉमोडिटी. कि प्राइस का जब भी हमें कुछ अफेक्ट देखने को मिलता है, आप बोल सकते हो रिलेटेड गुड्स का, तो रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है. मींस ऑलवेज यू आर टॉकिंग अबाउट टू गुड्स. किसी टू गुड्स का जब मैटर होता है तभी हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज का फर्क देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलते हैं. तो यू हैव टू गो थ्रू दिस वन. जस्ट मेक इट ईजी हाउ टू लर्न. मेक अ ग्राफ, वेन यू विल मेक अ ग्राफ देन एक्सप्लेन इट ऑल्सो. आप इस चीज़ को ग्राफ को एक्सप्लेन भी करना इन द आंसर, देन यू विल गेट अ टोटल मार्क्स. ओके, सो दिस इज ओनली फॉर टुडे. सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे.